तरफ जहां बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों अपराध अपनी चरम सीमा पर है, तो दूसरी ओर अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। पटना जिले के बीटा थाना क्षेत्र के बिंदौली इलाके में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी बड़े अपराध की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद दानापुर DSP 2 पंकज मिश्रा और स्थानीय थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जहां टीम के गठन के बाद बिंदौल गांव में बीते देर रात पुलिस कार्रवाई करने पहुंची, जहां पुलिस को देखते ही अपराधी पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जहां जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपराधियों पर जमकर फायरिंग की। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए सभी अपराधी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने मौके से 3 बाइक, 1 देसी कट्टा, 1 देसी राइफल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए पटना पश्चिमी SP शरद RS ने क्या कुछ बताया, सुने। सूचना प्राप्त हुई कि बिहटा थाना अंतर्गत बिंदौल एरिया में कुछ अपराध कर्मियों द्वारा अवैध हथियार के साथ कुछ अप्रिय घटना कारित करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी हेतु SDPO दानापुर 2 के नियंत्रण एवं SHO बिहटा के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। स्पेशल टीम द्वारा पूरी तैयारी के साथ लोकेशन में पहुंच गए और पुलिस को देखते हुए अपराध कर्मी द्वारा फायरिंग किया गया और इसको बहादुरी के साथ पुलिस फोर्स द्वारा काउंटर किया गया और सभी के सुरक्षा को देखते हुए पुलिस फोर्स द्वारा 5 राउंड फायरिंग किया गया। इस पूरी प्रकरण में किसी को कुछ चोट नहीं लगी है और इसके बाद पुलिस द्वारा पूरा एरिया को सर्च किया गया और इसमें पुलिस को 1 देसी कट्टा, 1 देसी राइफल, 15 जिंदा कारतूस और 3 मोटरबाइक बरामद किया गया और ये जो अपराध कर्मी जो फायरिंग किया गया है उन लोगों के बारे में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी किया जा रहा है।